नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है दोपहर के फटाफट खबरों का। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर से मिलेंगे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, दोनों के बीच होगी कई मुद्दों पर चर्चा। महान स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर दास सावरकर की जयंती पर पीएम मोदी समेत तमाम नेताओं ने दी श्रद्धांजलि, देश के लिए उनके बलिदान को किया याद। वहीं हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर मांग किया कि इंडिया गेट पर किंग जॉर्ज पंचम की मूर्ति हटाने से रिक्त स्थान पर वीर सावरकर की मूर्ति स्थापित करें, वह उन्हें भारत रत्न देकर सम्मानित किया जाए। केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप के बाद ट्विटर को भी दी चेतावनी, कहा इधर उधर की बातें छोड़ें, कानून का पालन करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। केंद्र सरकार ने कोविड से जान गंवाने वाले 67 पत्रकारों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट में 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर PIL पर सुनवाई होगी आज। देश में सिंगल डोज वाली कोरोना वैक्सीन लगाने की तैयारी, स्पुतनिक लाइट के जल्द भारत आने की है उम्मीद। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन बोले, अपनी जरूरतों के बावजूद भारत ने कोरोना महामारी के दौरान 123 देशों को की दवाओं की आपूर्ति, कहा भारत हमेशा से सभी के स्वास्थ्य के लिए प्रयासरत रहेगा। पीएम मोदी ने यास तूफान को लेकर उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ की बैठक, तूफान से हुए नुकसान के भरपाई हेतु पैकेज की करेंगे घोषणा। डेमिनिका कोर्ट ने भगोरा मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण पर लगाई रोक, भारतीय एजेंसी को करना होगा इंतजार। हिंदी के साथ 8 भारतीय भाषाओं में होगी इंजीनियरिंग की परीक्षा, AICTE ने दी अनुमति। केरल विधानसभा का पहला सत्र है जारी, राज्यपाल आरिफ खान ने किसानों की आय बढ़ाने से लेकर सब्जी के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया। तेलंगाना सरकार ने पत्रकारों के लिए चलाई स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव सेंटर, 28 से 29 मई को लगाए जाएंगे टीका। मादक पदार्थ के सेवन से जान गंवाने के मामले में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ नाराज हुए, कहा दोषियों की संपत्ति जब्त कर नीलामी से मिले धनराशियों को जान गंवाने वाले परिवारों को दे दिया जाए। यूपी के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, मुंबई के लिए 8 ट्रेनों के फेरे को बढ़ाए गए। बिहार में यास तूफान के कारण भारी बारिश है जारी, कोरोना वार्ड में घुसा पानी, जगह जगह बिजली हुई बाधित, पटना एयरपोर्ट भी बंद किया गया, कई सड़कें क्षतिग्रस्त होने से यातायात भी हुई बाधित। नौगछिया के गोपालपुर सैदपुर से भागे प्रेमी युवक को भागलपुर पुलिस ने पकड़ा, बारिश में झोपड़ी में लिया था शरण। पंजाब के सरकारी कर्मचारियों को जल्द मिलेगी बड़ी सौगात, वेतन आयोग की रिपोर्ट 2 जून को कैबिनेट की बैठक में होगी पेश। हरियाणा में अभी नहीं खुलेंगे स्कूल, सरकार ग्रीष्मकालीन अवकाश को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। गुड़गांव के पाथवेज स्कूल के खिलाफ जांच के आदेश, स्कूल द्वारा पिछले दिनों 5 विद्यार्थियों को टर्मिनेशन लेटर भेजने के आरोप में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने लिया एक्शन। ऑक्सीजन की कमी से कोरोना मरीजों की जान गई तो परिवार वालों को मिलेंगे 5 लाख रुपए मुआवजा, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने 6 सदस्यीय समिति की गठन। उत्तराखंड के सल्ट उपचुनाव में कामयाबी के बाद विधानसभा में हवन पूजन अर्चन कर सीएम तीरथ सिंह रावत ने सरकारी कामकाज संभाला। रांची में आज 32 केंद्रों पर दिया जाएगा 18 से 44 वर्ष के लोगों को टीका। भोपाल स्थित भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान तथा बंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाई नई किट, 1 मिनट में ब्लड सैंपल से जांच होगा कोरोना। हिमाचल प्रदेश के बग्गी जंगलों में लगी आग से वन संपदा व जीव जंतुओं को काफी नुकसान पहुंचा है, आग बुझाने में जुटी है दमकल कर्मी और पुलिस प्रशासन। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव BVR सुब्रमण्यम को केंद्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय में OSD की जिम्मेदारी दी गई। बंगाल विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी उतरेगी तृणमूल कांग्रेस। उड़ीसा में चक्रवात से भारी बारिश के चलते ब्रह्मानी नदी उफान पर है, सीएम नवीन पटनायक ने उड़ीसा में पुनर्वास कार्य युद्ध स्तर पर चलाने का दिया निर्देश। महाराष्ट्र में कोविड हॉटस्पॉट रहे धरावी में नियंत्रित हुआ कोरोना, सक्रिय मामलों में भी आई गिरावट।
चक्रवात तूफान तौकते के राहत पैकेज पर गुजरात सरकार व विपक्ष आमने सामने। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के 1,000 करोड़ के पैकेज को राज्य के लिए मजाक बताया। निशुल्क टीकाकरण के लिए राजस्थान की गहलोत मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों और विधायकों ने 1 माह का मूल वेतन सीएम सहायता कोष में देने का घोषणा किया। हेल्थ विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना से बचने के लिए योग और डाइट से बच्चों की इम्यूनिटी पावर बढ़ाई जा सकती है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में 41 डिप्टी मैनेजर पद के लिए आवेदन की आज है आखिरी तारीख। योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट nhai.gov.in पर जाकर कर सकते हैं अप्लाई। क्रिकेटर अश्विन ने बीच में आईपीएल छोड़ने पर किया खुलासा, कहा मेरे परिवार का करीब हर सदस्य कोरोना से संक्रमित हुआ था, जिस कारण मैं कम से कम 8-9 दिनों तक रात भर सो नहीं सका। सलमान खान को लगा एक और झटका, राधे फिल्म यूट्यूब पर हुई लीक। तो ये थी मिडडे की फटाफट खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।